कभी सीजीआई के पास दो शराब की बोतल लेकर पहुंचे थे वकील, अब फिर सुप्रीम कोर्ट में शराब को लेकर हो गया कांड, जानकर आपको आ जाएगा मजा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपने कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। गलती में पकड़े जाने पर किसी को भी नहीं छोड़ते, लेकिन काफी खुश मिजाज भी हैं। मजाक करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। कई बार तो ऐसा होता है जब कोर्ट रूम ठहाकों से गूंज उठता है। कभी एक वकील दो शराब की बोतल लेकर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस चौंक गए थे, लेकिन जब वकील ने इसके कारण बताए तो माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। पूरा सुप्रीम कोर्ट ठहाकों से गूंज उठा था। अब एक बार फिर शराब वाला कांड हो गया। वकील और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बीच शराब को लेकर मजेदार बात हुई और वकील ने यू कहें चीफ जस्टिस के मजे ले लिए। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक केस की सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और एक वकील के बीच मजेदार बातचीत हुई। दरअसल अगला औद्योगिक शराब से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान पेश लेख सीनियर वकील ने चीफ जस्टिस से अपने कलरफुल बालों के लिए माफी मांगी। वकील ने होली का जिक्र करते हुए कहा उन्हें उनके कलरफुल बालों के लिए माफ किया जाए। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने मजाक करते हुए पूछ लिया कि इनका शराब से तो कोई लेना देना नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने कहा मेरे रंगीन बालों के लिए मैं माफी मांगता हूँ, यह होली के चलते ऐसे हो गए। यही होता है जब आपके पास बहुत सारे बच्चे और पोते पोतियां होते हैं। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया इसका शराब से तो कोई लेना देना नहीं है ना? इस पर वकील ने हंसते हुए जवाब दिया, उन्होंने कहा हाँ उसका भी हूँ, मैं विस्की का फैन हूँ। फिर वकील ने सीजीआई चंद्रचूड़ के जमकर लिए मजे। इसी दौरान सीनियर वकील ने कहा 9 जजों के सामने बहस करना वो अभी कागज रहित अदालत में मिलॉर्ड मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। इस पर सीजीआई ने कहा अरे नहीं, इससे तो काम और आसान हो जाता है, आसानी से एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तभी वकील कहते हैं आपकी उम्र के लिए तो ठीक है, लेकिन इस पर सीजीआई कहते हैं आप क्या कह रहे हैं? मतलब सीनियर वकील ने सीजीआई पर मजाक किया और कहा लगता है कि आप भी विस्की के फैन हैं और विस्की पीकर आए हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ठहाकों से गूंज उठा। सीजीआई के सामने कभी रख दी थी विस्की की दो बोतलें। उच्च न्यायालय ने पेरनोद रिकॉर्ड की याचिका खारिज करते हुए कहा था जेके एंटरप्राइजेस के मार्क में कोई समानता नहीं पाई गई, जिसे पेरनोद रिकॉर्ड के ट्रेडमार्क की नकल कहा जा सकता है। सुनवाई के दौरान पेरनोद रिकॉर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को विस्की की बोतलें दिखाई। उन्होंने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि दोनों बोतलें भी एक जैसी ही हैं। इस दौरान हैरान कर देने वाले दृश्य को देखकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, वह जोर से हंसे और कहा आप अपने साथ बोतलें लाए हैं? इसके बाद उन्होंने बताया इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे हुआ। सीजीआई ने तब कहा कि मुद्दा यहाँ व्यापार पोशाक के बारे में है, बॉम्बे में मेरे एक फैसले में इस पहलू को शामिल किया गया है जिसमें बोतल का आकार शामिल था।